हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। जितना हो सके इस लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे बार बार वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया है, तो मेरा सब्जेक्ट कम दिखा रहा है, भरते समय कुछ और हो रहा है और प्रिंट निकलने के बाद कुछ और हो रहा है। भिक्के एसयू स्नातक पार्ट वन फॉर्म, तो पूरा इंक्वायरी इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं, तो जितना हो सके शेयर कर दीजिए। देखिए, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने में परेशानी, ये सबका प्रॉब्लम है। लगभग 50% प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। विश्वविद्यालय इस पर जरूर निदान लेगा, क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल इशू नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों का इशू है। देखिए, बात क्या है कि पहला बार आप लोग का फॉर्म भरा रहा है, जो ये फॉर्म भरा रहा है ऑनलाइन, ये फर्स्ट टाइम VKSU ऑनलाइन भरवा रही है, और लखनऊ का कंपनी है UMIS, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत आपका फॉर्म भरा रहा है। तो देखिए, इस पर यही परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर लतिका वर्मा ने बताया है कि हम लोग UMIS से संपर्क में है, जल्द इसका निदान करके वेबसाइट पे अपडेट दे दिया जाएगा। ऐसे मेरा सलाह है कि आप लोग यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज में जाके संपर्क करते रहिएगा, क्योंकि आपका जो फॉर्म भराया है उसमें गलती है, तो उसके बाद उसी के बेसिस पे आप आगे प्रोसीड नहीं कर देना है, उस पर आपको निदान के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज का चक्कर लगाना होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका ये ऑनलाइन आया हुआ है, तो थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम आपका ऑनलाइन VKSU करवा रही है, और ये इतने अच्छे अच्छे IT कंपनी नहीं रहते हैं कि आपका मतलब तुरंत इसका पूरा सर्वर अच्छा है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इस पर निदान किया जा रहा है, जो लोग प्रमोटेड छात्र हैं और वेट कर रहे थे कब से मेरा फॉर्म भराएगा, तो आप लोग का कल से फॉर्म भराएगा। इसका इंश्योरमेंट खुद एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर लतिका वर्मा ने दिया है। तो देखिए, आप यहाँ पेपर के आर्टिकल में देख सकते हैं, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने में परेशानी, ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान आ रही कई तरह की समस्याएं, महाराजा कॉलेज के छात्रों की फजीहत, यहाँ पे महाराजा कॉलेज के स्टूडेंट को फजीहत हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे महाराजा कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट हमसे खुद पूछे हुए हैं कि हम रजिस्ट्रेशन डाल रहे हैं तो कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जा रहा है। तो देखिए, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, इस पर पूरा कंसल्टेंसी के साथ बैठ के विश्वविद्यालय का जो स्नातक पार्ट वन फॉर्म भरने का विभाग है उस पर बात करेगा। अभी फिलहाल 1 से 2 दिन का वेट कर लीजिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ऐसे आप अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में संपर्क करते रहिए। बात है कि सासाराम के बच्चे बोल रहे कि यूनिवर्सिटी दूर है, आधा दूर है, तो वहाँ कैसे जाएंगे, तो आप कॉलेज में कंसल्ट कीजिए। और जो नंबर है उस पर कॉल भी नहीं लग रहा है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्नातक सत्र 2018-21 के भरे जा रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म में, अड़चने दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तीसरे दिन भी फॉर्म भरने को लिए विद्यार्थी परेशान रहे, पंजीयन अंक डालने के बाद भी फॉर्म नहीं भरे जाने और प्रिंट नहीं निकलने की समस्या बरकरार रही, इधर प्रमोटेड छात्र भी फॉर्म भरने के लिए परेशान दिखे। बताया जाता है कि ऑनलाइन लिंक पर प्रमोटेड विद्यार्थियों का डाटा शो नहीं कर रहा है, इस कारण प्रमोटेड विद्यार्थी उक्त अब तक परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं, इधर जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर भी काम आपका नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका एक इंडिविजुअल इशू नहीं है, सबका इशू है, और सबका जब इशू रहता है तो इस पर विश्वविद्यालय जरूर संज्ञान लेगा। तो आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है, विद्यार्थियों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान आ रही समस्या के निदान के लिए फोन करने पर कोई रिसीव नहीं कर रहा है, हेल्पलाइन नंबर पर बात नहीं होने से विद्यार्थी परीक्षा नियंत्रक को फोन कर रहे हैं, बुधवार को बड़ी संख्या में कॉल परीक्षा नियंत्रक को के विभिन्न समस्याओं के लिए आई, इसमें ऑनलाइन के दौरान लिंक नहीं खुलने से संबंधित शिकायतें भी परीक्षा विभाग को परीक्षार्थियों के द्वारा मिली, मालूम हो कि स्नातक पार्ट वन के विद्यार्थी 5 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाना है, परीक्षा फॉर्म भरे जाने के बाद परीक्षा शुल्क 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक कॉलेज में जमा करना है। आप देख सकते हैं बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए यहाँ पे खुद एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने बोला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोली परीक्षा नियंत्रक समस्याओं का किया जा रहा है निदान। देखिए, जो भी आपका समस्या है उसका निदान किया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर लतिका वर्मा ने बताया कि जो दिक्कतें आ रही हैं उनका निदान प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है, चूँकि पहली बार ऑनलाइन फॉर्म, देखिए हम भी यही आपको बोले हैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले, साफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर का बोलना है कि चूँकि पहली बार ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है, इसलिए थोड़ी परेशानी आ रही है, फॉर्म भरने के लिए लंबी तिथि जारी की गई है,
इसलिए विद्यार्थी निराश ना हो, सबका फॉर्म समय पर भरा जाएगा। प्रमोटेड विद्यार्थियों का फॉर्म नहीं भरे जाने पर कहा कि इस संबंध में UMIS कंपनी से बात की गई है। प्रमोटेड विद्यार्थियों का डाटा अपलोड कर दिया गया है, कल से ऐसे विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। बहुत बड़ी अपडेट, कल से आप प्रमोटेड छात्र फॉर्म भर सकते हैं। जिनका कोई भी दिक्कत आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो जा रहा है, या महाराजा कॉलेज का स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पर दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है, या डेट ऑफ बर्थ में गलती है, सब्जेक्ट चेंज हो जा रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा है, सारा प्रॉब्लम आप लोग अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कंसल्ट में रहिए। 1 से 2 दिन में जल्द इसका निदान किया जाएगा और जल्द ही इसका एक ऑनलाइन विकल्प भी दिया जाएगा। जैसे ही कोई विकल्प और सूचना आएगा, सबसे पहले हमारी टीम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक एक निदान पर हम लोग वर्क करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।